की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शासन की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शासन की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहन, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी भाषा एक सर्वश्रेष्ठ भाषा है। विश्व में यह भाषा 25 से 30 प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी एक पुरातन भाषा है और वह लगभग 2000 साल पुरानी है। उसके प्रमाण भी आज उपलब्ध है। हिंदी भाषा का ऐतिहासिक महत्व जताने हेतु हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है और उसकी लिपि देवनागरी है। राष्ट्र के राजकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा राजभाषा के साथ प्रयोग में लाई जाती है। 14 सितंबर से शुरू होने वाला सप्ताह हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अधिकतर यह सप्ताह पाठशाला और महाविद्यालयों में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करके मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य है छात्रों द्वारा हिंदी भाषा का जतन और विकास करना। अभी हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को यहाँ पता होना ज़रूरी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ कहने से पूर्व उसकी पूर्ववर्तिनी भाषाओं के संबंध में कुछ कहना ज़रूरी है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत और संस्कृत भाषा से हुई है। वैदिक संस्कृत ऋग्वेद में पाई जाती है, जो कि चार वेदों में से महत्वपूर्ण वेद है। वैदिक भाषा राजकीय संस्कृत भाषा के रूप में प्रतीत होती है। संस्कृत भाषा देववाणी कहलाती है। अति पुराण साहित्य में यही भाषा उपलब्ध है। हिंदी भाषा तीन कालखंड में विभाजित है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। इसका श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यकार, आलोचक, कोशकार, अनुवाद कथाकार के रूप में माने जाते हैं और हिंदी साहित्य में उनका नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। वह हिंदी साहित्यिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। धन्यवाद। ठीक है, हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल।
के साथ ही हिंदी भाषा का उच्चारण करना जरूरी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।